क्या आपको भी जानना है ऐसी मूवी के बारे में जिसे देखने के बाद चंपक लाल शेर की ऐसी हालत हो गई? तो दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी 10 मूवी ढूंढ कर लेके आया हूँ जिसे देखने के बाद आप भी चंपक लाल शेर को पीछे छोड़ देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्या आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? नहीं। अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साइड में दिए गए बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर दे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10 पे जो मूवी आती है उसका नाम है 30 मिनट और लेस। इसे 2011 में रिलीज किया गया था और इसका IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। बात करें इसकी स्टोरी की, तो इसकी स्टोरी में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय होता है जिसको दो लोग पकड़ लेते हैं और उस पर टाइम बम वाली जैकेट डाल देते हैं और उसे कहते हैं जाकर बैंक लूट के आ। पर उसे बैंक लूटने का या चोरी करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है और फिर कैसे वो बैंक को लूटेगा और फिर उसके साथ क्या क्या होगा, ये देखने में आपको काफी मजा और हंसी आने वाली है। तो इस मूवी को एक बार जरूर देखें। नंबर 9 पे जो मूवी आती है उसका नाम है बेबी डे आउट। इसे 1994 में रिलीज किया गया था और IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस मूवी में एक मिलीनियर के बच्चे को 3 चोर किडनैप कर लेते हैं और उनके मॉम डैड से पैसे हथियाने की सोचते हैं, पर वो बच्चा उनकी सोच से ज्यादा स्मार्ट होता है और इस मूवी में उस बच्चे के चक्कर में उन 3 चोरों का क्या हाल होता है ये देखकर आपको काफी हंसी आने वाली है। नंबर 8 पे जो मूवी आती है उसका नाम है जॉनी इंग्लिश। इसे 2011 में रिलीज किया गया था और इसे IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये मूवी बेसिकली जेम्स बॉन्ड सीरीज के आगे की स्टोरी के बारे में है। इसकी कहानी में एजेंसी के सारे एजेंट को बॉम्ब ब्लास्ट में मार दिया गया होता है और उसके बाद उन एजेंसी को वहां पर डॉक्यूमेंट संभालने वाला यानी जॉनी इंग्लिश को स्पाई के काम में एक इम्पोर्टेंट मिशन में भेजना मजबूरी में पड़ जाता है क्योंकि उसके अलावा और कोई रास्ता उनके पास नहीं होता है। फिर उसके मिशन के दौरान क्या कॉमेडी होती है ये देखकर आपको काफी हंसी आने वाली है। नंबर 7 पे जो मूवी आती है उसका नाम है द चेंज अप। इसे 2011 में रिलीज किया गया था और IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस मूवी में दो दोस्त होते हैं, एक जो अपने बच्चे और परिवार से तंग हो जाता है और एक जो मस्त अपनी जिंदगी जी रहा होता है, पर उन दोनों को एक दूसरे की जिंदगी ज्यादा अच्छी लगती है। तो वो दोनों एक गार्डन में फाउंटेन के सामने एक नंबर करते हुए विश मांगते हैं कि उनकी बॉडी आपस में बदल जाए। फिर अगले दिन ये सच भी हो जाता है। फिर आगे की स्टोरी में काफी ड्रामा और कॉमेडी है और इसे देखते वक्त आपको काफी मजा आएगा और क्या वो अपनी बॉडी वापस पा पाएंगे या नहीं ये भी आपको आगे पता चलेगा। नंबर 6 पे जो मूवी आती है उसका नाम है मिस्टर बीन हॉलिडे। इसे 2007 में रिलीज किया गया था और IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस मूवी की कहानी में हमारा हीरो जीतता है हॉलिडे टिकट फ्रांस की और वहां पर वो अपने दोस्तों की फैमिली के साथ रह रहा होता है, जहां पर वो देखता है कि उसके दोस्त और उसके फादर की बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो वो उन्हें मिलाने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वो मिले ना मिले हमें तो काफी हंसी आने वाली है। तो इसे बिल्कुल भी मिस ना करें, इसे जरूर देखें। Make new friends. नंबर 5 पे जो मूवी आती है उसका नाम है द अदर गाइस। इसे 2010 में रिलीज किया गया था और इसे IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस मूवी में कहानी है ऐसे दो पुलिसमैन की जिन्हें कोई पसंद नहीं करता है और दूसरी तरफ और दो पागल पुलिसमैन होते हैं जिन्हें सारा शहर पसंद करता है, पर अपनी बेवकूफी के चक्कर में वो डिपार्टमेंट से हमेशा के लिए चले जाते हैं। आप देख ही सकते हैं कि तो फिर वो दोनों पुलिसमैन जिन्हें अपने डिपार्टमेंट के लोग द अदर गाइस कहते हैं वो एक बड़े केस को सुलझा लेते हैं और उस बीच उनके साथ क्या क्या होता है ये देखकर आपको काफी हंसी आएगी। नंबर 4 पे जो मूवी आती है उसका नाम है हॉरिबल बॉसेस। इसे 2011 में रिलीज किया गया था और IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस मूवी में 3 दोस्त अपने बॉसेस से काफी परेशान हो जाते हैं, तो वो सब एक पब में अपने बॉस के खिलाफ एक हिटमैन को उसे मारने के लिए हायर करते हैं, पर ये तरीका उनके काम नहीं आता है तब वो खुद ही उन्हें मारने निकल जाते हैं। तो क्या वो उन्हें मार पाएंगे या नहीं इससे हमें घंटा फर्क पड़ता है क्योंकि हमें तो उस बीच होने वाली कॉमेडी और ड्रामा से मतलब है। तो इस मूवी को एक बार जरूर देखना अगर आप भी अपने बॉस से परेशान हैं। नंबर 3 पे जो मूवी आती है उसका नाम है वर्ल्ड्स एंड। इसे 2013 में रिलीज किया गया था और IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। इस मूवी में 5 दोस्त अपने बचपन के उस चैलेंज को पूरा करना चाहते हैं जिसे उन्होंने 20 साल पहले अधूरा छोड़ दिया था, पर जब वो अपने पब चैलेंज जिनमें उन्हें
अपने शहर के पहले पब से ड्रिंक करते हुए लास्ट पब तक बिना रुके एक रात में जाना था। उसके बीच में एक गड़बड़ हो जाती है। उनको पता चलता है कि उनके शहर में अब एलियन आ चुके हैं और फिर आगे कहानी में कैसे वो उनसे बचते हुए अपने चैलेंज को पूरा करने में लगे होते हैं ये देखकर आपको काफी हंसी आने वाली है। तो इस मूवी को एक बार जरूर देखें। नंबर टू पे जो मूवी आती है उसका नाम है ज़ॉम्बीलैंड, जिसे 2009 में रिलीज किया गया था और आईएमडीबी पर 7.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये मूवी एक ज़ॉम्बी कॉमेडी मूवी है। इसकी कहानी में सब लोग ज़ॉम्बी में बदलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके बाद सिर्फ कुछ लोग ही बचते हैं और फिर कैसे वो लोग उन ज़ॉम्बी से अपने आप को इन्फेक्ट होने से बचाते हैं और साथ ही साथ अपने एडवेंचर पर कितने मजे और कॉमेडी करते हैं। इसे देखने के बाद आपको काफी मजा और हंसी आने वाली है। तो इस मूवी को एक बार जरूर नंबर वन पे जो मूवी आती है उसका नाम है शॉन ऑफ द डेथ, इसे 2004 में रिलीज किया गया था और आईएमडीबी पर 7.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये मूवी हमारे काउंटडाउन में अपनी टॉप की जगह इसलिए बना पाई है क्योंकि इस मूवी में अच्छी कॉमेडी के साथ साथ अच्छी कहानी है और इसमें हमें जॉम्बी फ्रेंडशिप लव और कमाल की कॉमेडी टाइमिंग भी देखने को मिलती है। अगर अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो इसे एक बार जरूर देखें। ये मूवी आपको हंसा सागर पार करने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दिल को बड़ा करते हुए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल का हौसला बढ़ाएं और मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।